अगर आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस को हाइड करना चाहते हैं, लोगों से छुपाना चाहते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से अपने कॉन्टैक्ट के अंदर आप पर्टिकुलर किसी लोगों के पास ही आपके स्टेटस पहुंचे, बाकी लोगों के पास नहीं पहुंचे, बावजूद वो आपके नंबर उसके फ़ोन पे सेव करके रखा है, इसके बावजूद भी ना पहुंचे, तो वो आप कैसे करेंगे? वो भी 2023 साल में व्हाट्सएप अपडेट हो चुका है, ये आपको जरूर पता होगा। तो हेलो गाइस, आप सभी देख रहे हैं स्टार्क टेक्नोलॉजी, जहां पे हम लोग बात करते हैं एंड्रॉइड सीक्रेट एप्लीकेशन एंड एंड्रॉइड टिप्स ट्रिक्स के बारे में, और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह रोनी स्टार्क। देखो भाई, टाइम की बर्बादी करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आपके सामने मेरा एंड्रॉइड फोन है। अब हम लोग चलेंगे अपने व्हाट्सएप के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आने के बाद अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना, एंड वीडियो स्किप करोगे तो समझ नहीं पाओगे, काम पे नहीं आएंगे, दोबारा आप लोग सर्च करते रहोगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे स्टेटस के अंदर, एंड यहाँ पे आते हैं सबसे बड़ी बात। अब ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलते हैं 3 डॉट वाला सेक्शन, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देते हो, आपको यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर नहीं, स्टेटस प्राइवेसी के अंदर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टेटस प्राइवेसी जो है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहली चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लेना, ये जो है माय कॉन्टैक्ट। अब बहुत सारा लोग ये भाग जाएंगे वीडियो छोड़कर, लेकिन ये समझो तो पूरा बात समझ जाओगे। माय कॉन्टैक्ट के अंदर ये है, मेरे फोन पे जितने भी नंबर मैंने सेव करके रखे हैं, ठीक है, जितने भी नंबर मैंने सेव करके रखे, अगर वो लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर को सेव करके रखे हैं तो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस जो है वो लोग देख पाएंगे, बाकी कोई नहीं देख पाएंगे। उसके बाद यहां पर आपको दिखने को मिलते हैं माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट। अब यहाँ पे आपको अगर इसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो अब क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब देखो, यहाँ पे जितने भी आपके कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपके कॉन्टैक्ट बुक में सेव किया हुआ नंबर है। अब बात यहाँ पे आते हैं, बहुत सारा लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे जितने भी हम लोग टिक मार्क लगाएंगे, जैसे कि मैंने 2 यहाँ पे लगा रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बाय एग्जांपल समझा देता हूँ। जितने भी लोगों के ऊपर आप लोग यहाँ पे टिक मार्क ऐसे लगाएंगे, इसका मतलब ये है, ये जितने लोगों के ऊपर आपने टिक मार्क लगाए हैं, बस ये लोग आपके व्हाट्सएप स्टेटस को नहीं देख पाएंगे, हाइड हो जाएंगे उनसे। तो ये थी आपके मतलब पर्टिकुलर कोई लोगों के पास अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो उनको आप अनहाइड करके रखें, मतलब अनटिक करके रखें, और बाकी सबको आप लोग यहाँ पे टिक कर दें, तो आपके जो हैं व्हाट्सएप स्टेटस लोगों तक नहीं पहुँचेंगे। और हाँ, ये करने के बाद एक चीज़ ज़रूर आप लोगों के ध्यान में रहे, ये जो चीज़ है, ये जो टिक मार्क है, यहाँ पे क्लिक करना मत भूलना। अब आते हैं तीसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ ओनली शेयर हुई, ये जो चीज़ है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, इसका मतलब ये है, यहाँ पे जितने भी आप लोग टिक करोगे, इन सारे लोगों के पास, ये जो सारे लोग टिक किया हुआ है, ये सारे लोगों के पास आपके स्टेटस पहुंचेंगे, वो लोग देख पाएंगे। अगर इसके बीचों बीच कहीं लोगों से आप लोग ऐसे हाइड करके देते हो, मतलब कुछ इस तरीके से अगर आप लोग इसको हाइड करने की कोशिश करते हो या फिर अनटिक करने की कोशिश करते हो, तो वो लोगों के पास आपके व्हाट्सएप का जो स्टेटस है वो नहीं पहुँचेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक करना है, मतलब राइट बटन पर क्लिक करना है एंड बैक कर देना है, तो ऑटोमेटिक आपके सारे सेटिंग्स हो जाएंगे। अब रही बात ये तीनों सेटिंग्स के, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, और हाइड करने के लिए इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको बोनस में एक चीज बताऊंगा, जितने भी लोग GB व्हाट्सएप यूज करते हो, मैं उनको प्रीफर करूंगा अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दो। अगर आप अपने डेटा, अपने फाइल्स को या फिर अपने वीडियोस को या फिर फोटोज़ को, कुछ भी अपने प्राइवेट चीज़ को अगर आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो GB व्हाट्सएप को अभी डिलीट कर दो। और बोनस में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले एक स्टेटस लगा रखे थे, तो ये जो स्टेटस है, अगर मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे जाके कुछ चेंजेस करूँ, जैसे कि ओनली शेयर विथ करके यहाँ पे टिक लगा दूँ, तो इसका मतलब ये नहीं, ये स्टेटस पे वो सेटिंग लागू हो गए हैं। वो सेटिंग तब लागू होगा जब आप नए कोई स्टेटस यहाँ पर से लगाओगे, उसके बाद आपके वो जो है जो सेटिंग्स मैंने अभी किए हैं तो वो लागू होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, एक बार स्टेटस
स्टेटस दे दिया, तो जब आप स्टेटस देते हो उस टाइम पे जो आपके बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेटिंग्स रहते हैं वो सेटिंग्स ही लागू होते हैं। मैंने कमेंट बॉक्स पे एक लिंक दी है जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो वो ओरिजिनल कंपनी के हैं या फिर डुप्लीकेट कोई कंपनी के मोबाइल आप लोग यूज कर रहे हैं। मतलब उसके जरिए आप चेक कर सकते हो आपके मोबाइल के प्रोसेसर ओरिजिनल है, रैम ओरिजिनल है, सारे चीज आप लोग चेक कर सकते हो। मतलब आप अपने फोन के IMEI नंबर तक ट्रैक कर सकते हो एंड सारी चीज के पूरा डिटेल्स निकल सकते हो। तो इससे क्या होगा, अगर कोई आपके पास आके पुराना फोन बेचने के लिए आते हैं उस टाइम पे उसके फोन पे ये चीज करके आप पता कर सकते हो आखिरकार जो पुराने फोन बेचने के लिए आए हैं वो फोन असल में कंपनी के हैं या फिर कोई डुप्लीकेट फोन है। आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे किसी और के व्हाट्सएप अपने फोन में कैसे चलाए कैसे देखे, तो इस तौर पर हमने प्रूफ के साथ एक वीडियो बनाया है, लेफ्ट वाला वीडियो पे आपको वो दिखने के लिए मिल जाएंगे। राइट वाला प्लेलिस्ट पे मैंने आपके लिए कुछ खुफिया एप्लीकेशन हैं जो आमतौर पर लोग आपको नहीं बताएंगे। बीच वाला गोल्ड बटन दबा के प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इन फ्यूचर और एक बार हमारा जरूर मुलाकात हो।